अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज चैप्टर टू का लेक्चर थ्री है। तो आज अपनी बायोलॉजी की किताबें अपने पास रख लें, क्योंकि आज मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर्स बताऊंगा, मार्क करवाऊंगा। तो आज का टॉपिक क्वेश्चन है आंसर्स। तो ये जो हैं पांचों के पांचों क्वेश्चंस जो मैं आपको बताऊंगा, ये जो हैं पहले ही पेज पे हैं। तो सारे क्वेश्चन आप एक साथ सुनिएगा, उसके साथ उधर भी पेज पे भी डेफिनेशंस ये लिखी हुई हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन हीमोस्टेसिस। सेकंड वन, डिफाइन ऑस्मोल रेगुलेशन। डिफाइन थर्मल रेगुलेशन। थर्ड वन, फोर्थ वन, डिफाइन एक्सक्रीशन। और लास्ट वन, वाटर मेटाबॉलिक वेस्ट। तो ये पांचों के पांचों क्वेश्चन पहले ही पेज पे, जब वो स्टार्ट होता है सेकंड चैप्टर, तो वहीं मौजूद हैं। तो पेज नंबर अपनी बुक का 18 निकालें, जहाँ से चैप्टर 11 मैट्रिक का और 10th क्लास का सेकंड चैप्टर हीमोस्टेसिस स्टार्ट हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन, ये हीमोस्टेसिस की डेफिनेशन स्टार से लिखना है, और आपने 1, 2, 3, 4th लाइन में जहाँ लिखा हुआ है सराउंडिंग एयर टेम्परेचर, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। फिर ऑस्मोल रेगुलेशन, तो स्टार से लिखना है, और यहाँ तक थर्ड लाइन में जहाँ डिफीन एंड ऑस्मोसिस लिखा हुआ है। फिर थर्मल रेगुलेशन, थर्ड क्वेश्चन, तो ये आपने मुकम्मल करना है। थर्मल रेगुलेशन द मेंटेनेंस से लेकर एंजाइम्स तक। फिर एक्सक्रीशन का क्वेश्चन है, तो एक्सक्रीशन भी आपने ये स्टार से लेकर इक्विलिब्रियम यहाँ तक कर लेना है। और फिर लास्ट क्वेश्चन था वाटर मेटाबॉलिक फेज, तो ये एक्सक्रीशन के राइट साइड पे ब्लू कलर का लिखा हुआ है, तो ये आपने कर लेना है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आपने लिख भी लेने हैं और इन्हें साथ साथ आपने याद भी कर लेना है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह टॉपिक हीमोस्टेसिस इन प्लांट स्टार्ट करेंगे 11.1। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें।